जो मर सकता है तो वो मेडल भी ला सकता है। जितने राष्ट्रीय ध्वज अलगाववादियों द्वारा कश्मीर में जलाए गए हैं ना, उससे भी कई गुना स्थापित करूंगा। ऐसा जुनून पैदा हो गया कि अगर मैं एक फ्लैग लगाता हूँ, रवि जी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक प्लॉट ले लिया। सगला भाई राम राम मोहन थारू देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू की अपनी एक ग्राम पंचायत है जखोड़ा, जखोड़ा ग्राम पंचायत में भी पहुंचा हाँ। मेरे पीछे जो था एक फ्लैग देख रहा होगा, 101 फीट ऊंचो जो एक फ्लैग है, आज चल के जो बातचीत करांगा कि के द्वारा जो फ्लैग लगाए रखे है और फ्लैग लगाने के पीछे के बाको उद्देश्य हो और कता की फ्लैग लगा रखे हैं। वीडियो ने लास्ट तक देखा गया तो पूरी जानकारी है जो वीडियो के मंथन मिल जाएगी। सर खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप मेरे घर तक आए हैं, आपका स्वागत करता हूँ। सर ये चीज़ की मैं जानकारी है अपना दर्शकों दिलाना चाहूँगा कि कठाऊँ तो इसकी शुरुआत हुई कौन से टाइम पर थाने यहाँ लगे कि ये तरीकाओं है जो माने झंडा ही जो लगाना चाहिए अपने गाँव में या फिर जो अलग अलग जगह पर, तो इसकी शुरुआत की आप बात करें तो कठाऊँ हुई। शुरुआत तो मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली पुलिस में काफ़ी सर्विस की है, तो रिटायरमेंट से पहले 2016 के अंदर मैंने यहीं सामने एक छोटा सा फ्लैग 40 फीट का लगाया था, जिसको मैं जैसे घर पे आता था तो जड़ाता था, फिर शाम को उतारता था। तो मुझे इस चीज़ का ये बड़ा एक सुकून सा मिलता है और एक पॉजिटिव सोच जो है आदमी की होती है इस तिरंगे को देख कर। तो 2016 में यहाँ रास्ते पर अपने खेत में ही मैं ये जो रास्ता जाता है यहाँ घूम रहा था सुबह मॉर्निंग टाइम में 6 बजे 6:30 बजे करीब, तो एक आदमी रास्ते से चलता हुआ मेरे को कहने लगा, बोले भाई साहब ये किस देवता का झंडा है। तो मुझे मतलब बड़ी फील हुई ये बात और मन में ये सोचा कि क्या हमारे देश का फ्लैग भी नहीं मालूम है लोगों को। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ ऐसा भी हो। मैंने पूछा भैया आपको अच्छा लग रहा है? बोले ये अच्छा बहुत लग रहा है, मगर ये किसी देवता का नहीं, अपना देश का झंडा है। उसके बाद मैंने ये निर्णय ले लिया कि रिटायरमेंट पे जो रकम मिलेगी उसका मैं सबसे पहले ये काम करूँगा। तो रिटायरमेंट 2018 में रिटायरमेंट हुआ मार्च में, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झुंझुनू में इस चीज़ को करना चाह रहा था। कलेक्टर साहब से भी मिला, साहब ने कहा कि क्या कहाँ लगाना चाहते हो, मैं कहा सर कलेक्टर साहब के पास जो ये चैम्बरी है इसके यहाँ लगाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज है, लोगों की आवाज़ आई रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी मेरे सामने आई कि इस चीज़ के रख रखाव के लिए किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं। चिड़ा भी लगाना चाहता था, उसके बाद वहाँ भी मतलब यही समस्या मेरे सामने आई कि इसका रख रखाव कौन करेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। उसके बाद लास्ट में हार कर मैंने यहाँ मेरे घर पे लगाया कि इसका रख रखाव इसका ध्यान मैं खुद रखूँगा, और उसके बाद ये जब तक चल रहा है। उसके बाद मैंने स्कूल में लगाया बुडानिया गाँव में, बुडानिया गाँव में स्कूल के बाद फिर यहाँ ये जाखड़ा गांव है यहाँ लगाया। यहाँ उसी साल 18 में जो है मेरे को इन्होंने इनवाइट किया स्कूल में, मैं स्कूल में गया तो स्कूल के कमरे के ऊपर एक बांस के अंदर एक अपना फ्लैग टांग रखा था, जैसे ही उसको रस्सी से खींचा तो बांस टेढ़ा हो गया। बड़ी शर्मनाक बात हुई, बड़ा महसूस हुआ कि ये क्या है। उसके बाद मैंने वहीं मगर भाई अगली साल 15 अगस्त जो होगा वो आपके स्कूल में एक 40 फीट का एक शानदार तिरंगा यहाँ हम स्थापित करेंगे। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि 1988 के अंदर मैं सरकारी काम से कश्मीर गया था, वहाँ डल झील के पास उनका घर था, मैं जहाँ गया था तो ज़्यादातर मोमडन बस्ती है वहाँ, तो मैं जिसके घर गया तो मैंने ऐसे गेट खटखटाया तो 3-4 लेडीज बाहर निकल कर आई, माँ जी इस नाम का आदमी है, तो मैं तो हिंदी बोलूँगा।
उन्होंने कहा, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यह था कि क्या आप हिंदुस्तान से आए हो। तो एक बड़ी मतलब बड़ी चोट लगने वाली सी बात है। दूसरा क्वेश्चन उसका, क्या हाल है आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, कि ना उनका हिंदुस्तान है ना उनका प्रधानमंत्री है, लेकिन इसमें मैं तो लाचार हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी। मैं आ गया, जिस दिन धारा हटी तो मैं जाखड़ा गांव के अंदर स्कूल में था, मुझे इस चीज़ का मैसेज मिला, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और मैंने ये निर्णय किया कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी कहीं न कहीं, चाहे कोई प्रेरणा से चाहे मैं खुद, स्कूलों में फ्लैग अवश्य लगाऊंगा, क्योंकि जितने राष्ट्रीय ध्वज अलगाववादियों द्वारा कश्मीर में जलाए गए हैं ना, उससे भी कई गुना स्थापित करूंगा। जब ये फ्लैग लगाया मैंने तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती अपने यहाँ। ये मैं हिसार गया, वहाँ से इसका सामान लाया, कुछ सामान दिल्ली से लेकर आया। उसके बाद जब इसको हमने फाउंडेशन भर के 10 फीट गहरा इसका फाउंडेशन, क्यों ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मतलब छोटी वैसा हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो अच्छा नहीं है। तो मैंने 10 फुट गहराई में इसका 10x10 का फाउंडेशन भरा। उसके बाद बाकी जो पाइप थे वो मैंने ज़मीन पे और उनको जॉइंट कर दिया सबका। अब जॉइंट करने के बाद सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आई कि इसको रखूं कैसे ऊपर, यहाँ कोई करेन नहीं मिली मुझे। हाँ। 50 की 60 की इस तरह की करेन है, मैंने सीकर पता किया, हिसार पता किया, यहाँ पिलानी झुंझुनू चिड़ावाई ये तो आम थी। उसके बाद मैंने जयपुर से कांटेक्ट किया, दिल्ली से कांटेक्ट किया कि इसको रखने के लिए। दिल्ली वालों ने 60,000 रुपये मांगे और जयपुर वालों ने 50। फिर वो 40,000 रुपये मंगाया, राष्ट्रीय फ्लैग है, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे लगने हैं। बोले जी हम यहाँ से आएंगे, ये हुआ, मगर भाई आप कुछ भी लें लेकिन आप आ जाएं। उसके बाद वो जयपुर से करेन आई, वो इसको रख के गई। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा मन ये ज़रूर अवश्य कहता है कि जो हमारे बच्चे हैं अगर वो इस फ्लैग को इसके नीचे पढ़ते हैं या इसको देखते हैं तो उनकी एक सोच देश के प्रति अच्छी भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, उनकी सोच सकारात्मक बनेगी। आज हम सभी देख रहे हैं हमारा समाज किस तरह गिर रहा है जी। हम इस चीज़ को सभी देख रहे हैं लेकिन सब किनारा कर रहे हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं। कई बार सुबह जल्दी चिड़ाव विड़ाव इधर जाना पड़ जाता था, तो मैं ये चीज़ देखता था कि बच्चे सुबह सुबह अंधेरे के अंदर रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं जबकि लाइट नहीं है। अब रोड पर ट्रक चलते हैं, अभी एक राजगढ़ में हादसा हुआ है, आपने सुना होगा कि बहुत बार एक हादसा हो जाए ही। हाँ। आपने झुंझुनू भी कई एक हादसा जो देखने मिले हैं कि बच्चा ही जो तैयारी करने अगर रोड पर निकले तो एक्सीडेंट में दिखाई कुंदी। हाँ। या फिर भी वजह बहुत बार एक एक्सीडेंट होते हैं जी। तो ये चीज मैंने देख के एक दो बार मैंने बच्चों को पूछा भी, ये दूसरा गाँव है या दसवाड़ा, बेटा रोड पर मत दौड़ा करो, कुछ भी हो सकता है हादसा। बोले अंकल जी कहाँ करें, जगह ही नहीं है हमारे। तो ये चीज़ इस तरह की सुन के मैं मेरे मन में मतलब रख लेता था कि भाई मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, क्योंकि मेरे पास भी इतनी रकम नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ ऐसा कर दूँ। 2-3 महीने गुजरने के बाद मैंने एक दिन, मेरा लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है, पुत्र वधु भी टीचर है, बिटिया भी लेक्चरर है, तो एक दिन परिवार बैठा था तो मैंने पूछा कि बेटा मेरे को रिटायरमेंट का इतना पैसा मिला है तो आप लेना चाहें तो ले लें इसमें से, जो भी लेना चाहें। तो बेटे ने कहा, नहीं पापा जी, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँच गए हम, अपने पैरों पे खड़े हैं, आप इस पैसे को आप जहाँ उचित समझें वहाँ लगाइए। उसके बाद तो मेरे मन में एक स्टेडियम का विचार आने, तो मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ हो जाए तो एक आने वाले समय में यहाँ आर्मी वगैरह की भर्ती भी हो सकती है। आप देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि अभी ओलंपिक हुए हैं, इतना बड़ा स्टेट है अपना, एक हरियाणा छोटा सा स्टेट है, कितना मेडल लेके आया है, कि राजस्थान का कोई बच्चा, मतलब हमारे बच्चे क्या हरियाणा से कमज़ोर हैं क्या? कदापि नहीं है।
जो बच्चा सेना के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद इस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो कमज़ोर कैसे हो सकता है? जो मर सकता है तो वो मेडल भी ला सकता है जी। उसके बाद मैंने यहाँ ये चीज़ एक की कि भाई जो कुछ मेरे पास है वो मैं अर्पित करूँगा, बाकी लोगों का सहयोग किस तरह क्या मिलता है वो तो वक्त बताएगा। उसके बाद मैंने यहाँ ये चीज़ की, गांव के लोगों ने भी मेरे को काफ़ी सहयोग किया। उस लोगों के पास पैसा नहीं था, उन लोगों ने कहा जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, बहुत ऊंचाई पे था ये, तो बोले हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम भर्त कर देंगे इसका, आप करिए। मैंने एक बोर्ड बनाया रोड के ऊपर, तो जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो मैंने ये सोचा कि मेन रोड पर बोर्ड बनेगा उसका नाम लिखा जाएगा तो लोग इससे प्रेरित होंगे थोड़ा सा, तो ऐसा हुआ भी। तो उस लोगों ने मतलब मिट्टी का भर्त किया कि ये हमने 50,000 का भर्त किया, मैंने 50,000 का भैया आपका ये नाम है, यहाँ ठेकेदार था उसने भी 51,000 रुपया मतलब मजदूरी छोड़ दी। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी मुझे। उस लोगों ने यहाँ यादा जोड़ था, आधी सरकारी फील्ड थी, कुछ लोगों ने यहाँ मतलब अपने बाड़े वाड़े बना रखे थे, उन लोगों ने अपने आप हटाए, तो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा हुआ कि कई जगह आप देखते हैं कि पुलिस जाने के बाद भी सरकार भी नहीं हटा पाती है। बिल्कुल, बहुत बड़े का मामला सामना हुआ है जो अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ इस मामले में मुझे इस चीज़ का गांव से बड़ा सहयोग मिला, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा जो है अभी काम फिलहाल बंद है, कि मेरे दिमाग में यही है कि मैं इसको किस तरह से पूरा करूँ, वो तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल सर, अभी जो देखा कि लगभग है कता के फ्लैग ही जो थे लगा चुका हो, और आगे की के प्लानिंग की कता के और लगाना है? अभी फिलहाल ये जो 101 फीट का फ्लैग है, इस समय 15 फ्लैग लगा चुका, 15 फ्लैग मेरी प्रेरणा से जब मैंने खुद लगाए हैं, जिसमें 13 स्कूलों में है। एक मंडेला उप तहसील खुली है, तो हमारा सरकारी कार्यालय है, बड़ा अच्छा है, लोगों की आने वालों की सोच पॉजिटिव रहेगी जब दिखाई देगा, वहाँ पर काम करने वालों की भी कुछ न कुछ अंतर ये ज़रूर डालता है जी। तो मेन रोड पर था, यहाँ पहला एक तहसील में लगा है, 13 गांव के स्कूलों में लगे हैं। तो ये चीज़ अब मैं सोच रहा हूँ कि झुंझुनू ज़िले की फ़िलहाल जितनी भी तहसील हैं उसमें लोग आएँ, तो इस चीज़ के लिए मैं अपना टाइम खूब दूंगा, 5 दिन 7 दिन मेरे पास मतलब मेरा टाइम जो है ना, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, जो भी जहाँ भी बुलाएगा मैं जाऊँगा, और अगर इसके लिए बुलाएगा तो मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मैं ना जाऊँ। अब तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि ऐसा जुनून पैदा हो गया है कि अगर मैं एक फ्लैग लगाता हूँ, रवि जी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक प्लॉट ले लिया, रियलिटी बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। बिल्कुल जी, तरीका हूँ जो फ्लैग लगा रहे हैं लगातार, अभी एक खुद का घर और बाकी 13 स्कूल में और एक जो उप तहसील में जो अपने बन रही है मंडरेला, तो अगर इस टाइम पर फ्लैग मैन अगर आन बोलना है तो कोई अतिशयोक्ति कमान को नहीं होगी, क्योंकि जो जुनून और जी तरीका काम कर रहे हैं बिल्कुल काबिले तारीफ है। रख रखाव करके कि जो की तरीका को करो जा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि अपना जो वातावरण है राजस्थान का, उसमें आंधी तूफान गर्मी में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक फ्लैग अब मैं तो दिल्ली से लेकर 4,000-4,500 रुपये का आता है, एक तूफान आएगा उसमें फट जाएगा, तो 4,500 रुपये का नुकसान हुआ, तो उसको उतारना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। फटा हुआ फ्लैग हम नहीं चढ़ा सकते, मैला गंदा भी हो जाता है, तो वो भी चीज़ नहीं कर सकते। इसकी जो मतलब जो इसके रूल हैं वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब इसके लिए अब ये 101 फीट का है, तो इसको हम ये मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 101 फीट या 100 फीट से ऊपर जो भी फ्लैग है वो उसको रात को उतारने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उस पर लाइट रहे, वो क्योंकि हमारा ये मस्तक है ये चमकना चाहिए, तो मैंने वो साइड में देख रहे हैं आप, बिल्कुल उस पर 3 लाइटें फॉक्स डालता हूँ तो ये रात को चमकता है जी। फ्लैग का जो रूल्स हैं जो नियम हैं, बाकी के थे स्टडी करी या फिर नॉर्मल कैसे जानकारी मिली कि ये तरीका है जो तिरंगा को रख रखा हुआ जो करो जाए? ये तो एक तो देखो मैं फोर्स से भी कॉन्टेक्ट रखता हूँ जी, मतलब फोर्स में नौकरी करी है मैंने, तो मुझे नॉलेज तो था, लेकिन
ये चीज़ मैंने काफ़ी पता किया है, जानकारी हासिल की है कि भाई मैं इसको लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। तो लास्ट में मतलब हम लगा सकते हैं, कोई भी भारतीय अपने घर पर लगा सकता है, बशर्ते अगर 100 फीट से कम है तो उसको शाम को उतारना पड़ेगा। कटा फटा नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, उसको शान से सम्मान से चढ़ाएं, सम्मान से उतारें। जब ये स्टेडियम का गेट बना तो इस पे गेट पे आपने कभी जाओ तो गौर से देखना, गेट के दोनों साइड में मैंने स्टील के फ्लैग बनाए हुए हैं लहराते हुए। तो लोग मेरे को बोले ये किस लिए बना रहे हो जी, मैं कह ये स्टेडियम है ना, यहाँ बच्चे दौड़ेंगे, कोई बच्चे का हौसला टूटता नजर आएगा तो मैं उसको कहूँगा इसकी तरफ देखो, तो वो 50 कदम जरूर दौड़ जाएगा। इस तिरंगे के अंदर इतनी मतलब हौसला है जी। बिल्कुल, आज जो जगदीश जी है कि एक मिसाल कायम करी है, और जो आपकी एक जो तहसील के मान खुद के गांव में भी, हालांकि प्रयास जिला के लिए कर रहे हैं कि जिला में की व्यवस्था करी जाए, जिला में जो तिरंगा लगाया जाए, लेकिन लगातार ये प्रयास रहते हैं, और अपनों भी जो सहयोग होगा जो करण का पूरा प्रयास करांगा, और दर्शकों भी यही रिक्वेस्ट करांगे कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, और आपको भी हौसला है जो लगातार है जो बने रह सके, और ये जो फ्लैग लगाने की जो मुहिम है यह पूरा जिला तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोक चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद। मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान, जिसके झंडे पर जान है उसी को मेरा सलाम है। जय हिंद, जय भारत।